क्या हो रहा है सर? सर महंगाई महंगाई होना दर क्या है, के ना कुछ और करना कुछ और है। क्या मतलब मुझे समझाएंगे तो बात समझ आनी है। बात है, जब शहबाज शरीफ आए तो कहते थे हम ऐसा जी आपको सब चीजें गिरा देंगे, कहते तो सब कुछ है लेकिन किया क्या है। मैं तो ना पीटीआई का हूँ तो ना ही इसका हूँ। ठीक बात है, इसका नो नो लिखा ठीक है। मैं तो पीपी का हूँ। पीपल्स पार्टी? हाँ जी। बिलावल के पसंद करते हैं बिलावल साहब? मैं साबी का हूँ, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं बात उस पर करनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हालात थे तो मैं उस वक्त पैदाइश मेरी नहीं थी तो पट्टों के दौर में थे, ये क्या करें, दुनिया को निजाम चलना मुश्किल है। आपने कितना पढ़ा हुआ है? और अल्लाह का शुक्र है मेरे एफ ए भी है, मेरा बैकग्राउंड हाफिज भी हूँ। अच्छा, हाफिज साहब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अपना अब अपना तरावियाँ तरुवियाँ नहीं पढ़ाते रमजान में? खत्म हो गया रमजान में तरावियाँ तरुवियाँ? जब रमजान आता है वो तरावियाँ रमजान में होती है, रमजान के बाद मुसल्ला सुनाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा अच्छा करते हैं आप, बड़ा अच्छा, बड़ा जरूरी है अल्लाह का शुक्र, ताकि वो रिवाइज होता रहे ना जी। ऐसे ऐसे ही, अदरवाइज तो पता ही आप। तो हाफिज साहब अब तो बात और बढ़ गई। अच्छा, फिर तो मुझे आप ये बताएं कि ये निज़ाम का बनेगा क्या निज़ाम है? ये जो जो निज़ाम पाकिस्तान का ना, मेरे ख्याल से जो मेरी सोच के बाहर के इंसान की अपनी सोच होती है, देखिए जो मेरी सोच के मतलब ये ऐसे है कि निज़ाम किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में, या पाकिस्तान को खुदा चला रहा है। कितने आप साहब बच्चे कितने आपके? अल्लाह का शुक्र चार हैं। चार बच्चे हैं अल्लाह का शुक्र। और कुछ पढ़ाया बढ़ोया भी? अल्लाह का शुक्र सब पढ़ते हैं। किस क्लास में है? एक मैट्रिक कर गया हुआ है, दूसरा आठवीं कर रहा है, तीसरा सातवीं कर रहा है, चौथा तीसरी कर रहा है। तो ये आपको शौक था पढ़ाने का? सबसे बच्चों को शौक था? सब मुझे था, आपको पढ़ाने का शौक? अल्लाह का शुक्र। आप क्यों नहीं आगे, क्यों नहीं पढ़े, आप फिर से आगे क्यों नहीं गए? बस मेरे यहाँ तक जाओ, मेरे और जिंदगी का कोई और मसाइल भी होते हैं। नहीं, अपना अब्बा के पास वसाइल कम थे उस वक्त? अल्लाह का शुक्र है मेरा अब्बा भी बहुत अच्छे किस्म का, हालात अच्छे है हमारे अभी भी। लेकिन आप जितना आपका जहन हाफजा है, आप उतना पढ़े नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इससे पर कितना होना चाहिए? और तालीम तो आपको पता है खत्म नहीं होती। अल्लाह वो तो समुद्र है, समुद्र है, सारी जिंदगी घुस जाओ तो उसका किनारा नहीं मिलेगा। डिग्रियों से अलावा भी वो तो एक अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अभी कितने पैसे बना लेते हैं आप माशाल्लाह से? पैसे पैसे मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जब से हमारे बादशाह साहब आए हुए हैं। बादशाह? हाँ हाँ। कौन? मतलब शहबाज शरीफ साहब? वो तो आए नहीं, वो तो भाई नहीं है, वो तो इधर ही है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब भी भाई है। अच्छा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, काम वाम नहीं है और क्या? अभी घी बढ़ गया दोबारा, कुकिंग ऑयल बढ़ गया, ये 550 पे चला गया। हाँ हो, ऐसा होगा, अभी इसे भी आगे जाएगा, ये तो काम शुरू हुआ अभी। आप ये हमें रिलीफ पैकेज दिया गया है। नहीं तो मजदूरी करते आप उकता नहीं जाते इतनी महंगाई से? थकन महसूस नहीं होती? तो अगर थकन महसूस होती है किसके बताएं, इसके थकावट निकालने वाला कौन है? ये आप ही बताए, इसका थकावट निकालने वाला कौन है? आपकी ठीक बात है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। कहने की बात है, जब वो कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, ये हमें रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है तेल, ये क्योंकि आप जैसे आप कहते हो तेल बढ़ गया है, ये कुकिंग ऑयल बढ़ गया है, ये रिलीफ में पैकेज आया होगा। ये रिलीफ पैकेज आ गया? हाँ जी, वो पैकेज शुरू हो गया। तो आपका कोई 2500 कमा लेते हैं रोज का? 2500 का कमा लो, ये हमने सऊदीया में तो नहीं है, कोयत में तो नहीं, इधर नहीं, कोयत तो नहीं बना हुआ, ये पाकिस्तान है। कोई चक्कर नहीं? चक्कर होता था कोई, इतनी महंगाई होती कोई मसला नहीं था। इतने अंदाजन कोई 1500? नहीं, 1500 किसे है, 800-700 रुपया बड़े मुश्किल दिन भर दौड़ लगा 15-15 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग, 16-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, जिससे 1000-800 रुपया पकड़ते हैं। हाफिज साहब 800 में आप बच्चे भी पढ़ा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसे? अल्लाह ही चला रहा है, केले का बात अल्लाह ही चला रहा है। तो आपको उधार भी लेने पड़ते होंगे? लाजमन है, जिंदगी का तरीका चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। आपने भी कर्जा लिया? ऐसे करते हैं, कर्जे पे ऐसे ही काम, हाँ काम ठेके पे चलता है, ठेके पे। हाँ हो, ठेके पे। हाँ हो, ऐसे ही चलता है। अच्छा, हाँ जी, तो ये काम आपका ठेके पे चल रहा है? ठेके पे चलता है, पाकिस्तान ठेके पे, हम भी ठेके पे हैं। आप ठेके पे चल रहे? हम भी ठेके चल रहे हैं, सारा गुजारा ठेके पे। हाँ जी, ऐसे ही है। आप साहब कब तक ऐसे रहेगा, आपकी अपनी जिंदगी है, बच्चों की जिंदगी है। देखें जिंदगी में ना आप साहब, देखें देखें, आप चाहे मजदूर हैं, चाहे बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन जिंदगी में आपको ब्रेक चाहिए होता है, कुछ टाइम ऐसे लम्हात चाहिए होते हैं जिसमें सुकून मिल सके। लेकिन ये तो आपकी जितनी लाइफ में सुन रहा हूँ, इसमें दौड़ के अलावा
मजदूरी के अलावा, परेशानियों के अलावा, टेंशनों के अलावा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर कैसे जी रहे हैं यार? जीने के मालिक ने बाकी रखा हुआ, जीना तो उस भी है ना। इनके हालात में क्या, इन हालात में होते गवर्नमेंट में तो हम तो कभी के मर जाते, तो अल्लाह ने बाकी रखा हुआ, अल्लाह ने बाकी रखा हुआ। आपको फिर गुस्सा भी ज्यादा आता होगा जब हम पे कोई करता तो हमें तो आता ही है ना, इंसान तो है। फिर घर जाके भी लड़ते होंगे? घर जाके लड़ना क्या है यार, बस गाला का घर को मार देंगे, बाकी क्या रहेगा? क्या घर वालों को भी मार देंगे तो बकाया हमारे पास क्या रहेगा? मुल्क तो हमारे पास, हमारे कंट्रोल से तो बाहर है, तो घर वालों को मारना शुरू हो गया, बकाया क्या हमारे पास रहेगा? इसका मतलब है कि आप घर में सलूक से रहते हैं? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ डरते ही बहुत है। कहाँ डरना, मेरे अल्लाह से है, डरने वरने का कोई। अपना भाभी भी तो नहीं, अपना हम इस्लामी तरीके से, ये नहीं है हमारा का औरत का मकाम पीछे आगे नहीं है कि औरत हमारे पीछे चलेगी, ये नहीं है। इस्लाम के खिलाफ है कि औरत को आगे चला दो। नहीं, उसे आप दो इंसान बराबरी की सतह पे भी जी सकते हैं जीना, लेकिन औरत को अल्लाह ने मर्द को जो है ना, और औरत के ऊपर तकवीयत बख्शी हुई है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी हम्बल गुजारिश है। अच्छा, कि आप डिस्कस करते हुए अपना मुकाम और औरत का मुकाम, इसका तय्यन करने के बगैर बात करें अल्लाह का कुरान, तो आपको ज्यादा, क्योंकि आपसे कोई औरत के मामले में कोई तजलील ना हो जाए, अल्लाह माफ करे। कहने की बात ये अल्लाह का कुरान फरमाता है, मुकाम उसी का बड़ा है जिसका अमल अच्छा है। मेरे कहने की बात अल्लाह का कुरान फरमाता है, ये बात ठीक है। जब आप डिस्कस के मतलब करें, मैं डिस्कस के मतलब कोई बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपका तो किसी का भी, आपने किसी को परखना है, किसी को भी। अच्छा, वो कोई खातून है, कोई मर्द है, अच्छा। तो अमल से परखेंगे ना कि उसका अमल कैसा है। जीने के लिए तो अमल का सहारा लेना बनती है जिंदगी। हाँ, हाँ। जन्नत भी जहन्नम में ये हाँ, तो आपने घर अमल से जहन्नम बनाया हुआ है या जन्नत बनाई हुई है? अल्लाह का शुक्र है, हमारा लाख लाख शुक्र है, हमारे घर वाले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शादी एक ही है ना? हाँ, इंशाल्लाह। वो ऐसे हमारी कदर करते हैं कि जैसे मुर्शिद की कदर तो आप लोग करते हो। अभी आपको मुर्शिद का लेवल देती है? हाँ जी, ऐसे है हमारा दर्जा अल्लाह के हुक्म से, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो मुर्शिद कहने की बात है, एहतराम बहुत ज्यादा करती है। नहीं तो मुर्शिद रोटी चीजें पूरी करने में इतना जोर बेचारा लगाता है, सारा दिन खपता रहता है। ओहो, कहने की बात वो नहीं, आप किसी तरफ और पर चल पड़े। नहीं, मुर्शिद सिर्फ मुर्शिद सादा ही मुर्शिद है बस। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी इज्जत, इज्जत तो वही है ना। आपसे भाभी कहे की मक्खन ला दो मुझे, आप कहे मैं मुर्शिद हूँ? नहीं, कहने मक्खन पूरा कर नहीं देते आप। मक्खन क्यों नहीं देंगे? अल्लाह कह नहीं मैं मुर्शिद, हमारा जो है साया उस पर गलत किया। 5 किलो दूध चाहिए, आप कह नहीं मैं मुर्शिद हूँ, हाथ पाओ ले लो। मैं अपने मतलब ये मुर्शिद के मतलब मेरे बात किसी और तरफ ले गए हो, कहने की बात मुझे लगता है कि आप मुर्शिद होने का नजायज फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र उठा रहे हैं। कराने कहने की बात ये है कि ये जो ना हमारा जो निज़ाम है ना, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। भाभी कहें बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, आप कहें मैं मुर्शिद हूँ? मैं अल्लाह का शुक्र देता हूँ, बच्चे पढ़ाने हैं मैंने। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दे, और आप जिस काम में लगे अल्लाह मकसद आसानियाँ करे, अल्लाह आसानी करे, और आपको अल्लाह मुर्शिद होने से बचाए, अल्लाह बचाए। आप एक अच्छे हस्बैंड रहे, अल्लाह का आसान है, और एक अच्छे वालिद रहे, अल्लाह का शुक्र है, और ये ज्यादा बेहतर है भाई। बेशक ये ना हो कि बाकी वही है, वो शॉपिंग करवा दे, ईद आई है तो आप कहे मैं मुर्शिद हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, फिर घर कैसे चलेगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कहने की बात ये घर को मुर्शिद अकेला जोड़ के घर नहीं, ऐसे यहाँ ऐसे काम है ना, यहाँ मैंने बाहर से ताला ना लगा जाए किस दिन, नहीं ऐसे यहाँ लाहौर का निजाम ऐसे चल रहा है ना, मैंने ऐसे अक्सर देखा, मैं ड्राइवर हूँ मैं बहुत। आप एक अच्छे इंसान है, अल्लाह का शुक्र, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आप खुश रहे, आप साहब बहुत अच्छा लगा, आप अपना ख्याल रखें, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।